उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रोड्स बनानी है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, मतलब कितना कुछ हम फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए हमें जगह चाहिए, ठीक है, ये हवा में तो बनेंगी नहीं, लैंड पे बनेंगी, है ना। और जिस तरह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों को ज़्यादा घरों की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े घरों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, घर बनाने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए, है ना। अब लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट, जो जंगल होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों को काट देते हैं, और वहाँ पे क्या कर देते हैं, घर वगैरह बना लेते हैं, कंपनीज बना लेते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे रोड बना देते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही अगर हमें वुड की ज़रूरत है, लकड़ी की ज़रूरत है, तभी हम क्या करते हैं, जाके फॉरेस्ट काट देते हैं, है ना। अब कोई भी ट्री है, अगर हम आज ट्री लगाएंगे, वो कितने सालों के बाद जाके एक ट्री बनेगा बड़ा, है ना। अगर हम छोटा सा एक सीड लगाते हैं तो उसको ट्री बनने में कितना टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, है ना। जब हमारे पास ट्री नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो जो हमारी सॉइल है वो क्या होती है, बह जाती है ना। जब बारिश वगैरह पड़ती है तो वो सॉइल बह जाती है, और उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो लैंड क्या हो जाती है, वैरन हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जंगलों में जैसे काऊ, गोट, शीप्स, इनको चराने के लिए भेज देते हैं, कि हाँ जानवरों को घास चाहिए खाने के लिए, हम भेज देते हैं। तो जब ये क्या करते हैं, वहाँ की घास वगैरह खा लेते हैं, तो जो उस घास की रूट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है ना। जब वो ख़त्म हो जाती हैं, तो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ से बह जाती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का जो लैंड है वो क्या हो जाती है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितनी तेज़ी से हम लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं, या जितनी तेज़ी से हम लोग इन्हें ख़त्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। क्योंकि जैसे हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, तो उसे ट्री बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेड़ कम लगा रहे हैं और उन्हें काट ज़्यादा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बट उनके जगह पे नए प्लांट्स हम ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर हम कोई प्लांट काटते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे एक और प्लांट लगा देना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिर्फ पेड़ों को काटते जाते हैं, काटते जाते हैं, और अपनी जो है नेसेसिटी को फुलफिल करते जाते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते जाते हैं, बाकी हमें जो है हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, है ना। कि हाँ अगर हमने एक पेड़ काटा, तो उसकी जगह एक पेड़ लगा भी दें, क्या चला जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ काटते हैं, अपना काम किया बस, जो हो गया। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो क्या होती है, फर्टाइल नहीं रहती, ठीक है ना। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सारा का सारा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, फॉरेस्ट को काटने से रोकना चाहिए, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग को हमें रोकना चाहिए, कि जो हम पशुओं को जो है चराने के लिए भेज देते हैं, उन्हें भी हमें रोकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिससे क्या हो कि हमारे फॉरेस्ट बचे रहें, और उससे हमारी जो लैंड है वो भी क्या रहे, बची रहे, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, छोटे छोटे शर्ब्स लगानी चाहिए, जो झाड़ियाँ होती वो लगानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो ज़मीन है वो क्या हो, वो घास से क्या रहे, कवर रहे, वहाँ पर ग्रीनरी रहे, ठीक है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है। जितनी बारिश होगी, तभी हमारी जो है हमें वाटर मिलेगा, ठीक है, हमें वाटर मिलेगा, एनिमल्स को वाटर मिलेगा, प्लांट्स को वाटर मिलेगा, और वाटर मिलेगा तभी हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे क्या होगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो वहाँ पे कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, ना ही एनिमल्स, ना ही ह्यूमन बीइंग्स, ना ही प्लांट्स, कुछ भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है
हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें क्रॉप्स लगानी चाहिए, ठीक है जी। इससे क्या हो सकता है, इससे हम ये क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे कि जो लोग अब जैसे डेजर्ट एरिया की ही अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो जिस एरिया में पानी है ना, जिस एरिया में पानी है, हम एटलीस्ट वहाँ पे लोग क्या करें, वहाँ पे लोग जो है और ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स लगाएं, ताकि क्या हो, वो लोग कम से कम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। क्योंकि जो लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो बची है उसे तो हम बचा सकते हैं ना। अब अगर हम जिस एरिया में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे और ज़्यादा प्लांट लगाते जाएंगे, और ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ी बारिश की जो क्वांटिटी है वो बढ़े, बारिश थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा हो, है ना, जितनी होती है उससे थोड़ी और ज़्यादा हो। तो अगर बारिश ज़्यादा होएगी तो जो लैंड थोड़ी सी ऐसे हो गई है जहाँ पे सूखी पड़ी है, वहाँ पे भी बारिश होगी तो वो लैंड भी थोड़ी थोड़ी फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, वहाँ पे और प्लांट लगा देंगे और बारिश होगी, थोड़ी ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी लैंड जो है वो क्या होती जाएगी, फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरे डेजर्ट को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, बट थोड़ा थोड़ा तो हम उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे हमें जो है प्लांट्स लगाने चाहिए, और सिर्फ डेजर्ट में ही नहीं, हमें हर जगह क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। सिर्फ प्लांट्स काटने ही नहीं है, हमें क्या है और ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है, कैमल इज़ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, कि डेजर्ट का सबसे यूजफुल एनिमल कौन सा है, वो है कैमल। कौन सा है, कैमल। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन, या हम यूज़ करते हैं इसको फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है, बर्डन क्या होता है, बोझ, बोझ उठाने वाला पशु। बीस्ट का मतलब है यहाँ पे पशु, ठीक है। कि एनिमल्स को हम कैसे एक यूज़ करते हैं, कि ये क्या करता है, हमारा सामान जो है वो उठाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब डेजर्ट में हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पे लोग जो हैं कैमल्स पे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर उन्हें कोई सामान पहुँचाना है तो वो सामान भी वो क्या करते हैं, कैमल के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कैमल जो है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और ऐसा क्यों है कि वहाँ पे सिर्फ हम कैमल को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैमल क्या कर सकता है, कैमल जो है वो कई कई दिनों तक, बहुत दिनों तक जो है बिना खाने और पानी के रह सकता है, ठीक है। और जो डेजर्ट है वहाँ पे इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेजर्ट में जब आप रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पे खाने पीने के लिए ना तो पीने के लिए पानी होता है, ना ही खाने के लिए खाना होता है ना, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ क्या होती है, सैंड ही सैंड होती है। तो जो कैमल है ये काफ़ी कई कई दिनों तक जो है बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। और ऐसा कैसे हो पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ही टाइम में बहुत सारा खाना खा लेता है और बहुत सारा पानी पी लेता है, ठीक है। और ये खाना भी स्टोर कर लेता है और पानी को भी स्टोर कर लेता है। तो जब ये डेजर्ट में चलता है, जब इसे भूख लगती है तो ये क्या करता है, खाना खा लेता है, और जब इसे पानी प्यास लगती है तो ये वो जो इसने स्टोर किया होता है उस पानी को ये पी लेता है। तो इसी वजह से ये जो है ये इसे हम क्या करते हैं, डेजर्ट में यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि ये क्या कर सकता है, जो डेजर्ट की सैंड होती है वहाँ पे बहुत ईजली जो है मूव कर सकता है, चल सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या करता है, बहुत ईजली, क्योंकि इसके जो पाँव होते हैं ना, वैसे वो अपने से काऊ के देखे होंगे तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। बट इसके जो पाँव होते हैं ना वो हार्ड नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, से मतलब नरम होते हैं, इसके पाँव बड़े ज़्यादा नरम होते हैं, ठीक है। जिस जो क्या कर सकते हैं, सैंड में बड़ी आसानी से चल सकते हैं, ठीक है। क्या ये उसके पाँव जो हैं वो सैंड में बड़ी आसानी से चल सकते हैं,
ठीक है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसे रेगिस्तान का जहाज भी जो है वो बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, डेजर्ट में बड़ी आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, समझ आई सभी को? तो ये था आपका डेजर्ट के बारे में, द इंडियन डेजर्ट के बारे में। ठीक है, ये आपका ये वाला चैप्टर भी जो है ख़त्म हो गया। तो हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा, हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, इंडियन डेजर्ट के बारे में। जो इंडियन डेजर्ट है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है द थार डेजर्ट। ठीक है, क्या नाम है इंडियन डेजर्ट का, थार डेजर्ट। और ये कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके साउथ वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पे जो है ये थार डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है थार डेजर्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्मॉल हिलॉक्स ऑफ हिलॉक्स ऑफ सैंड, सैंड की छोटे छोटे हिलॉक्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है, ड्यून्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यून्स बोला जाता है। और ये ड्यून्स जो हैं ये क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। कैसे शिफ्ट होते रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं बहुत सारे। क्या चलते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये जो ड्यून्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सॉरी कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट का जो सीजन होते हैं, सीजन कि अगर हमने बात की सीजन्स की, तो वहाँ पे जो समर्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और सर्दियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उसी तरह से जो डे होता है वो हॉट होता है, एंड जो नाइट होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या था कि जो डेजर्ट में जो सैंड पाई जाती है वो क्या है, जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। ठीक है ना, दिन के टाइम में ये सैंड जो है ये गर्म हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात को ये सैंड क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है। तो इसी वजह से रात को क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेजर्ट में क्या होता है, एक तो पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एंड दूसरी जो है गर्मी जो है वो कैसी होती है, झुलसाने वाली गर्मी होती है, जलाने वाली गर्मी होती है ना, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड स्कॉचिंग हीट। और इन्हीं दो रीज़न की वजह से क्या होता है कि जो डेजर्ट रीजन होता है, जो डेजर्ट का जो एरिया होता है या डेजर्ट की जो लैंड होती है वो कैसी होती है, बैरन लैंड होती है। कैसी होती है, बैरन लैंड होती है, बंजर भूमि होती है। ठीक है ना, वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो लैंड बैरन होती है वहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करती। और जो वहाँ पे थोड़े बहुत शर्ब्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो थोड़े बहुत शर्ब्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं कि उनकी उनकी जो हाइट होती है वो बहुत छोटी, वो क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है ना, उनकी हाइट कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, थॉर्नी होते हैं। ठीक है, उसको कहता है कि ऐसे तो जो डेजर्ट एरिया है
वहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो झरनों के रास्ते क्या होता है, सरफेस पे आता है, ज़मीन पर आता है। झरने हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर, ठीक है ना, कुछ जगहों पर क्या है, स्प्रिंग्स हैं। स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जिस जगहों पर ये स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है पाम ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, टॉल पॉम ट्रीज, ठीक है। ये बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, वहीं पे क्या होते हैं, कुछ विलेजेस भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं वहाँ पे, कुछ विलेजेस भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी होगा वहीं पे विलेजेस होंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो उन विलेजेस में रहने वाले लोग हैं, वो कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं, वो लोग कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, वो लगाते हैं मिलेट्स एंड पल्सेस, बाजरा लगाते हैं और कुछ दालें की फसल जो है वो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डेजर्ट की सॉइल होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, फर्टाइल होती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से जो है वो लैंड क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। फर्टाइल लैंड फर्टाइल भी तभी होगी कि वहाँ पे पानी होगा, है ना। अब हमारे घरों में ज़मीन होती है, तो हम जब सूखी ज़मीन में अगर कुछ लगाएं तो नहीं लगता, हमें पानी देना पड़ता है। बारिश का पानी हो, जब घर से हम पानी दें, हम पानी देते हैं। तो वैसे वो कहता है कि फर्टाइल तो होती है वहाँ की जो लैंड है, वो फर्टाइल तो होती है, सॉइल फर्टाइल तो होती है, बट पानी की कमी की वजह से वो क्या हो जाती है, सारी की सारी लैंड वेस्ट चली जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ नहीं उग सकता। लेकिन कहता है अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक कैनल बना दी है, एक नहर बना दी है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल। और इस कैनल में जो है सतलुज रिवर से पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है, सतलुज रिवर से जो है पानी इस कैनल में पहुंचाया जाता है, ताकि लोग जो है उस पानी का यूज़ कर सकें, किसके लिए, इरिगेशन के लिए, किसके लिए यूज़ कर सकें, इरिगेशन के लिए, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, उस पानी का यूज़ करते हैं, और इससे क्या हुआ है, जो हमारी वेस्ट लैंड थी डेजर्ट की, वो क्या हो गई है, अब यूज़ में आने लगी है, ठीक है, लोग उस लैंड का यूज़ करने लगे, और वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स भी क्या करने लगे हैं, ग्रो करने लगे हैं। तो कौन कौन सी क्रॉप्स वो लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ के लोग जो हैं वीट लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, ठीक है, पल्सेस लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, ठीक है, बाजरा लगाते हैं, ठीक है, ये सारी क्रॉप्स जो है वहाँ पे लगाई जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वैसे तो हमें पता है कि जो डेजर्ट हैं ये कैसे बनते हैं, ये पानी की कमी की वजह से बनते हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि सिर्फ पानी की कमी ही नहीं, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं डेजर्ट लैंड को डेजर्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह काट देते हैं वहाँ पे, ठीक है, जानवरों को छोड़ देते हैं, वो वहाँ की घास वगैरह खा जाते हैं, है ना। इस वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो लैंड होती है, हमारी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं रहती, ठीक है ना। क्योंकि जब जब हम ट्री लगाते हैं ना, तो जो ट्री की रूट्स होती हैं वो ज़मीन में के अंदर चली जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, और वो क्या करती है, वहाँ की सॉइल को पकड़ के रखती हैं, वो सॉइल बहनी नहीं। और जब सॉइल बह जाती है ना, जब किसी जगह से सॉइल बह जाती है, तो क्या होता है, वो लैंड जो हो जाती है बंजर हो जाती है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं रहती, ठीक है। सॉइल जो है, सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सॉइल एक जगह पे कैसे रुकती है, क्योंकि उसको कौन रोक के रखता है, जो हमारे ट्रीज की रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि क्या हो सके, वो सॉइल जो है वो बहे ना, वो वहीं पे रहे, ठीक है। और अगर हम प्लांट्स लगाएंगे, तो प्लांट से क्या होता है, बारिश भी इन्हीं की वजह से आती है, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ज़्यादा क्या होती, बारिश होती। तो कहता है हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ लगाने हैं, पेड़ काटने नहीं हैं, बल्कि पेड़ लगाने हैं, जितना हो सके उतने पेड़ हमें लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
कि जो कैमल है यूज़फुल एनिमल कौन सा है डेजर्ट का, वो है कैमल। ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब ये क्या करता है, बहुत सारा बोझ जो है वो उठा सकता है, इसलिए इसे बीस्ट ऑफ बर्डन बोला जाता है। और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सामान पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये बिना कुछ खाए पिए काफ़ी दिनों तक जो है सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है एक ही टाइम में बहुत सारा खाना भी खा लेता है, बहुत सारा पानी भी पी लेता है, उसे स्टोर कर लेता है, खा नहीं जाता ये स्टोर कर लेता है, और जब इसे भूख लगती है फिर ये उसको थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है और थोड़ा थोड़ा पानी भी पीता रहता है। ठीक है, और इसके जो पाँव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, जो कि सैंड में आसानी से चल सकते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेसन नंबर थर्ड कंप्लीट। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट जो हमने स्टार्ट किया था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग अब स्कूल आओगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, मैक्सिमम हमने कल कर लिए थे। ठीक है ना, तो जो भी एक एक दो दो रहते हैं वो हम कर लेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हम चूज एंड टिक करेंगे। ठीक है, फोर चूज एंड टिक हमने कल कर लिए थे, आज हमारा लास्ट रहता है फिफ्थ वाला, दैट इज कैमल इज यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ पेनिनसुला बी पार्ट रिवर सी पार्ट माउंटेन और डी पार्ट बर्डन। ये अभी सबसे लास्ट में हमने इसको किया। कैमल किसके लिए यूज़ किया जाता है, बीस्ट ऑफ हाँ बर्डन के लिए। ठीक है, बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, इसके साथ आपके चूज एंड टिक जो है ये भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बी पार्ट ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये भी हमने थ्री कर लिए थे, अब हम फोर्थ वाला करेंगे। बोलता है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट मस्ट नॉट बी कंट्रोल्ड, कि हमें जो है जो फॉरेस्ट का काटना है, जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए, तो नहीं रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें जो है फॉरेस्ट का जो कटाई हो रही है फॉरेस्ट की, वो हमें नहीं रोकनी है, कटिंग नहीं रोकनी है, तो फॉल्स। फिफ्थ आ गया आपका कैमल कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर विदाउट फूड फॉर मैनी डेज इन डेजर्ट, कि कैमल जो है वो बिना खाने के काफ़ी दिनों तक डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, रह सकता है या नहीं रह सकता, बिना खाने के रह सकता है, तो इसका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, क्या आ जाएगा, ट्रू। ये आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए।
नेक्स्ट आ गया आपके सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। ये भी हमने थ्री कर लिए थे, अब फोर्थ करेंगे। डैश आर जनरली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन प्लेस, कि किसी भी जगह पर पानी की कमी की वजह से क्या बन जाते हैं, माउंटेन बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं, या क्या बन जाता है, प्लेन एरिया बन जाता है, क्या बनता है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो, पानी की कमी हो, क्या बन जाते हैं, डेजर्ट। ठीक है, कहता है डेजर्ट जो है वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं पानी की कमी की वजह से, जो है वो डेजर्ट बन जाते हैं। कैमल इज यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर डैश। कैमल जो है, एक तो हम उसे बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह यूज करते हैं, और दूसरा दूसरा हमने पढ़ा था किसके लिए यूज करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपका डी पार्ट आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ठीक है, तो टू क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज एन ओसिस। ओसिस क्या होता है? ठीक है, तो इसका आ जाएगा एट सम प्लेसेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एज अ स्प्रिंग क्लस्टर्स ऑफ टॉल पाम ट्रीज एंड सम ग्रास ग्रो, सच अ फर्टाइल ट्रैक्ट, सच अ फर्टाइल ट्रैक्ट इज नोन एज ओसिस। ठीक है, कहता है कि जब किसी जगह पर जो हमारा अंडरग्राउंड पानी है वो ज़मीन पर आता है, स्प्रिंग की शेप में जब वो ज़मीन पर आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लंबे लंबे पाम ट्रीज या कुछ घास जो है वो ग्रो करती है, कुछ ग्रास जो है वो ग्रो करती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। उस फर्टाइल ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद थर्ड आ गया आपका, थर्ड कर लिया, अब फोर्थ है। विच क्रॉप्स आर फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट में कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो पाई जाती हैं? तो कौन कौन सी हैं? वीट, मेज, ठीक है, ज्वार, बाजरा एंड पल्सिस। कौन कौन सी हैं? वीट, मेज, ज्वार, बाजरा एंड पल्सिस, ठीक है, फोर्थ हो गया। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? कि कैमल को जो है द शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोला जाता है? ठीक है, इसका आप लिखोगे, पहले क्वेश्चन से आएगा, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज इन द डेजर्ट। कि वो क्या कर सकता है, बिना खाने और पानी के डेजर्ट में बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट। और डेजर्ट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है कैमल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या कर सकता है, बिना खाने और पानी के काफ़ी दिनों तक जो है डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर 5। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है आपका,